दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ है रेलवे ग्रुप डी का 19/9/2018 में सेकंड शिफ्ट में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे मैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आवर्त सारणी में मिलेनियम ग्रुप कहाँ से शुरू होता है, आवर्त सारणी में मिलेनियम ग्रुप कहाँ से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। आपको याद रखना है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। एक क्वेश्चन ये कि आपका जो वेरी वेरी जो रोग होता है, वेरी वेरी, ये किसकी कमी से होता है? आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू या विटामिन बी थ्री। चार ऑप्शन आपके सामने है कि वेरी वेरी जो रोग होता है किसकी कमी से होता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू या विटामिन बी थ्री। राइट आंसर जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाई गई है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी ये परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है। किसके आधार पर बनाई गई है? परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है। जैसा कि दोस्तों मैं आपसे पहले बताया था मैंने आपको कि बुक और लेखक से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, आने वाले अन्य एग्जामों में भी पूछे जाएंगे, जो भी एग्जाम जिनके आगे, जिनके 21 को एग्जाम है या 22 को एग्जाम, जो भी हो एग्जाम हो आगे। तो बुक और लेखक जरूर जरूर याद कर लें, क्योंकि 2 क्वेश्चन हर हाल में ही पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब है जो, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन। तो आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि ट्रेन टू पाकिस्तान ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ट्रेन टू पाकिस्तान। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं, अमर्ता प्रीतम, नसरुद्दीन शाह, खुशवंत सिंह या जसवंत सिंह। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेन ट्रेन टू पाकिस्तान किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपके हैं अमर्ता प्रीतम, नसरुद्दीन शाह, खुशवंत सिंह या जसवंत सिंह। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि अगला शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों अगला शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन ये भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में। अगला शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत। 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। क्वेश्चन ये कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन आपके हैं गोल्ड कोस्ट इंग्लैंड, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया या गोल्ड कोस्ट अमेरिका या ग्लासगो में। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए। 21वें राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए? ऑप्शन आपके हैं 4 अप्रैल 2018 या 5 अप्रैल 2018 या 2 अप्रैल 2018 या 6 अप्रैल 2018। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 21वें राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए? आपके ऑप्शन है 4 अप्रैल 2018, 5 अप्रैल 2018, 2 अप्रैल 2018 या 6 अप्रैल 2018। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कल पूछा गया था, कल जो एग्जाम हुआ था 18 तारीख की डेट में
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों स्कर्वी आपका जो रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन आपका ये कि पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स को रखा जा सकता है? तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप में मैक्सिमम कुल 7 एलिमेंट्स को रखा जा सकता है। कितने एलिमेंट्स को रखा जा सकता है? कुल 7 एलिमेंट्स को रखा जा सकता है। आंसर आपका राइट हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2018 का आयोजन ये तुर्कमेनिस्तान में हुआ है। आज एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 का आईपीएल का खिताब किसने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, ये तो सभी को पता होगा। तो विजेता तो चेन्नई सुपर किंग थी, और उप विजेता कौन थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि 2018 की जो आईपीएल जो हुआ था 2018 का, उसमें जो उप विजेता थे टीम, वो टीम कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फाइनल में दो टीम भिड़ी थी, चेन्नई सुपर किंग, दूसरी टीम कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब रोजर रोजर फेडरर ने जीता है। किसने जीता है? रोजर फेडरर ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब रोजर फेडरर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल 2018 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल 2018 का आयोजन ये नई दिल्ली में हो रहा है। आपको क्वेश्चन बताना कि 2018 का बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया, और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही 2018 में, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है? तो यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल 2018 का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट परिषद के चेयरमैन कौन होते हैं? तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट परिषद के चेयरमैन गृह मंत्री होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि भारत के गृह मंत्री कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट परिषद के चेयरमैन होते हैं गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन, उमर अब्दुल्ला किस पार्टी के नेता हैं? तो दोस्तों उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के नेता हैं। आंसर हो जाएगा आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के नेता हैं। अगला क्वेश्चन, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगावत फिल्म में खिलजी का किरदार किसने निभाया है? तो दोस्तों बगावत फिल्म में खिलजी का किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है। किसने निभाया है? रणवीर सिंह। आंसर आपका हो जाएगा रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ओपी रावत। कौन है? ओपी रावत। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो हैं ओपी रावत। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 19 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाले बाग से दो क्वेश्चन हमको याद आ गए, तो आपको कमेंट करके ये बताना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कहां पर हुआ था, ये कहां पर हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन बता दे रहा हूं आपको, ये अमृतसर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, या फिर सूरत में हुआ था। 4 ऑप्शन आप मैंने आपको बता दी है, कमेंट्स करके बताएं जरूर। और आपको ये भी बताना है कि
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये किसके इशारे पर किया गया था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों घेंगा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो दोस्तों अभी के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।